हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग स्पीड इन द हैक ट्रेनिंग। आज हम इस वीडियो में कार्लिनक्स की इंपॉर्टेंट कमांड को सीखेंगे और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको कार्लिनक्स की सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स और उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी कमांड्स को रन करने के लिए सबसे पहले हम टर्मिनल खोल लेते हैं, जहां पर हम इसकी कमांड्स को रन कर सकें। ये देखिए, मैंने यहां पर क्लिक करके टर्मिनल खोल लिया है। अब एक एक करके यहां पर कमांड्स को देखते हैं। सबसे पहली कमांड है हमारी mkdir। mkdir के थ्रू हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर हैक लिखा है और मैंने यहां देखिए हैक नाम का फोल्डर क्रिएट करा है। दूसरी कमांड है हमारी dir। जैसे कि मैंने यहां पर हैक नाम का फोल्डर देख लिया कि यहां पर बन चुका है, पर मुझे टर्मिनल के अंदर ही देखना है कि हैक नाम का फोल्डर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम dir यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ dir यूज करा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हैक नाम का फोल्डर मेरा बन चुका है। इसी काम को हम ls के थ्रू भी कर सकते हैं। यहां जैसे ही मैंने ls टाइप करा, तो आप देख सकते हैं कि इसने भी मुझे वही सेम रिजल्ट दिखाया है जो dir ने मुझे दिखाया था। बट इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, आप यहां देख सकते हैं। ये सारी चीजें वाइट आ रही हैं, जैसे कि ये zip फाइल है, zip फाइल भी वाइट आ रही है। ये pdf फाइल है, ये pdf फाइल भी वाइट आ रही है। ये .txt फाइल है, ये भी फाइल वाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये अट्रैक्टिव नहीं है। अभी मैंने जब ls करा, तो ls में देखिएगा, ये जो आप .zip फाइल देख रहे हैं वो ग्रीन है। आप ये देखिए, ये हमारी .zip फाइल है, पर ये tar फाइल है एक तरीके से, तो ये जो है रेड है। आप यहाँ .txt फाइल देखेंगे तो ये व्हाइट है, और ये जो फोल्डर है ये है ब्लू। तो ये अट्रैक्टिव इस तरीके से है कि ये इनको कलर के अंदर डिवाइड कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करता हूं, तो उसका ऑटोमेटिकली कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये डायरेक्टरी है। इसी तरीके से अगर हमें कोई फाइल बनानी हो, तो हम इको का यूज करते हैं। इको किसी भी चीज को प्रिंट करने के काम में आता है। जैसे मैंने यहां पर इको हाई लिखा, तो अभी जो मैंने हाई लिखा है, ये सिर्फ मेरी टर्मिनल पर ही प्रिंट हुआ है। पर अगर मैं इसको फाइल के अंदर राइट करना चाहता हूं, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इको टाइप करूंगा, और जो भी आपका मैसेज है, मतलब जो भी आप अपनी फाइल के अंदर मैसेज को टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने हेलो टाइप करना चाहता हूं अपनी फाइल के अंदर, तो अब मैं उस कौन सी फाइल के अंदर इसको टाइप करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और उस फाइल का नाम लिखूंगा a.txt। जैसे ही मैंने ये करा, तो आप देख सकते हैं a.txt नाम की फाइल मेरी बन चुकी है। अब इसको ओपन करने के लिए देखते हैं कि इसमें हेलो लिखा है या नहीं लिखा है। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर हेलो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। अब देखिए, हम ls करके देखते हैं। जैसे ही मैंने यहां पर ls करा, तो आप यहां देख सकते हैं a.txt का कलर क्या है, वाइट। इससे साफ पता चलता है कि जो a.txt है, ये फाइल है। अब दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा टर्मिनल भर गया है, तो हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो क्लियर करने के लिए हमें डायरेक्ट क्लियर कमांड का यूज करना पड़ता है, जिससे कि हम इस पूरे टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक और इको के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए। अभी मुझे इसी फाइल के अंदर, जो मैंने a.txt फाइल बनाई है, इस फाइल के अंदर मुझे कुछ चीज ऐड करनी है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, इको मुझे हेलो के साथ हाउ आर यू भी ऐड करना है। हाउ आर यू कौन सी फाइल के अंदर ऐड करना है, a.txt के अंदर। अब देखिए, मैंने यहां पर हाउ आर यू ऐड करा है a.txt के अंदर, तो मैं a.txt को खोल के देखता हूं। अब आप देख सकते हैं, मैंने जो पहले हेलो या हाई लिखा था, वो नहीं है, वो हट गया है, पर यहां पर हाउ आर यू आ गया है। अगर मुझे किसी चीज को ऐड करना है यहां पर, अगर किसी मुझे अपने टेक्स्ट को ऐड कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। इको आई एम फाइन डबल ग्रेटर देन का साइन a.txt। अब आप देखिएगा, यहां पर ये मेरा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। किसी भी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमें डबल ग्रेटर देन का साइन यूज करना पड़ता है, और अगर हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो हमें सिंगल ग्रेटर देन का साइन यूज करना पड़ता है।
चलिए अब हम एक काम करते हैं, अभी तो हमने क्या करा ए डॉट टी एक्स टी को ओपन करके इसके अंदर जो हमने मैटर टाइप करा है वो रीड करा है, बट क्या हम इसको बिना ओपन करे पढ़ सकते हैं? चलिए तो देखते हैं। कैट कैट कमांड है जिसके थ्रू हम इस फाइल को बिना ओपन करे रीड कर सकते हैं ए डॉट टी एक्स टी। अब आप देख सकते हैं जो भी मैंने इस फाइल के अंदर प्रिंट करा था वो मेरे टर्मिनल पर शो हो रहा है। विच कमांड, चलिए अब हम विच कमांड के बारे में जानते हैं। विच कमांड के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कमांड की लोकेशन कहाँ है। जैसे कि विच, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो मैं कैट कमांड यूज करता हूं वो एक्चुअली में कहाँ आता है। ये आप देख सकते हैं ये बिन डायरेक्टरी के अंदर कमांड है, तो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जब समझेंगे तो ये समझेंगे कि ये बिन डायरेक्टरी क्या होती है, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहे। PWD, PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की, मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूं। मैंने जैसे कि अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूं, रूट डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप पर। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं कि रूट डायरेक्टरी के अंदर ये आप देख सकते हैं ये रूट डायरेक्टरी है, मैं अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप पर हूं। तो ये आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पर हूं और ये मेरी a.txt फाइल है। तो इसी तरीके से आप कमांड के थ्रू भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब हम एक काम करते हैं cd का यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहां पर हैक नाम का फोल्डर क्रिएट करा था, अब तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फाइल को हैक फोल्डर के अंदर बनाऊं, तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे फाइल को क्रिएट करने के लिए उस फोल्डर के अंदर जाना होगा। सीडी हैक, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी मीन उस डायरेक्टरी के अंदर जाना, सीडी हैक। अब आप यहां देख सकते हैं कि मैं हैक नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूं। अब मुझे यहां पर क्या करना है, एक फाइल को क्रिएट करना है, इको ए डॉट a.txt। अब मैं ls करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल तो यहां क्रिएट हो चुकी है और मेरे फाइल के अंदर जो मैंने टाइप करा है वो भी है, पर अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूं। तो मैं pwd डालूंगा तो आप यहां देख सकते हैं कि मैं रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हैक नाम की डायरेक्टरी के अंदर हूं। अब आप यहां देखिए, ये देखिए मेरी a.txt भी यहां पर बन चुकी है। यही काम हम बिना फोल्डर के अंदर जाए भी कर सकते हैं। अभी एक काम करता हूं, पहले मैं डेस्कटॉप पर आता हूं, डेस्कटॉप पर वापस आने के लिए cd डबल डॉट, इसका डबल डॉट का मतलब होता है प्रीवियस डायरेक्टरी। अभी आप यहां देखिए मैं प्रीवियस डायरेक्टरी पर आ गया हूं। अब मुझे क्या करना है, बिना उस डायरेक्टरी के अंदर जाए मुझे एक फोल्डर या फाइल बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक फोल्डर बनाना है इस हैक नाम की डायरेक्टरी के अंदर, mkdir हेलो। मैंने क्या करा, यहां पर एक mkdir हेलो नाम का फोल्डर बनाया है। जैसे मैं यहां टाइप करूंगा हेलो नाम का फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पर आ गया है, पर मुझे क्या करना है हैक के अंदर बनाना है फोल्डर को, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लोकेशन को देना पड़ेगा mkdir हैक। मुझे यहां पर कौन सा फोल्डर बनाना है, हेलो। तो ये देखिए मेरा हेलो फोल्डर इस हैक नाम की डायरेक्टरी के अंदर बन चुका है। अब मैं इसको कैसे देखूंगा, सिंपल सा इसको खोलकर, पर यही काम मुझे क्या करना है कमांड के थ्रू देखना है। तो कमांड के थ्रू भी हम देख सकते हैं ls hack। जैसे ही मैंने ls hack करा, इसका मतलब क्या है, लिस्ट करो जितना भी हैक के अंदर डेटा हो। तो ये देखिए मैंने ls hack करा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे दो चीजें मिली है, a.txt और hello, जो मेरे इस हैक फोल्डर के अंदर थी। चलिए दोस्तों अब हम एक काम करते हैं, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैं इससे पहले किस डायरेक्टरी के अंदर था, तो मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इको डॉलर ओल्ड पीडब्ल्यूडी, इसका मतलब क्या है, ओल्ड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इससे पहले मैं कौन सी डायरेक्टरी में था। तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं इको डॉलर ओल्ड पीडब्ल्यूडी। देखिए मैं इससे पहले रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हैक नाम की डायरेक्टरी के अंदर था। चलिए दोस्तों अभी तक तो हमने ये देखा कि कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे फाइल को क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फाइल को या फोल्डर को रिमूव करते हैं।
अगर मुझे किसी फाइल को रिमूव करना है, जैसे मुझे ये a.txt बिल्कुल पसंद नहीं है, तो चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो इसको रिमूव कैसे करूंगा, rm, rm का मतलब होता है रिमूव। किस फाइल को रिमूव करना है, a.txt को। तो देखिए यहाँ से मेरी a.txt हट गई है। अभी ये देखिए हेलो, इस हेलो को मुझे रिमूव करना है, तो कैसे यूज करूंगा, rm हेलो। बट यहाँ पर ये क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है कि ये डायरेक्टरी है, ये इस तरीके से रिमूव नहीं होगी, तो मुझे इसको कैसे रिमूव करना है, rm हाइफन r हेलो। ये देखिए यहाँ पर रिमूव हो गई। बट अब इस r का मतलब क्या है, r का मतलब है यहाँ पर रिकर्सिवली। अगर आप कोई फोल्डर यूज कर रहे हो तो हम इसको हाइफन r के थ्रू डिनोट करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर जो फाइल्स हैं इनको भी रिमूव कर सकते हैं और फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब हम यूज करते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉपी। जैसे कि मैंने यहां पर एक फाइल बनाई है, अब मैं इस फाइल को हैक नाम के फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कॉपी करूंगा, सीपी टी डॉट टी एच टी। किसको, किसमें कॉपी करना है, टी डॉट टी एच टी को मुझे हैक के अंदर कॉपी करना है। तो जैसे ही मैंने यहां पर एंटर मारा तो आप देखिए ls hack, ये मेरी t.txt इस hack नाम के फोल्डर के अंदर आ गई है। अगर मुझे फोल्डर को फोल्डर के अंदर कॉपी करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं दो फोल्डर क्रिएट करता हूं, mkdir new और new2। आप इस तरीके से भी दो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक ही बार में दो फोल्डर का नाम दिया और मैंने दोनों फोल्डर को एक ही बार में क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस न्यू को न्यू टू में कॉपी कर दूं, तो इसको कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, सीपी हाइफन आर रिकर्सिवली न्यू। न्यू को किस में कॉपी करना है, न्यू टू में। अब आप देखिए ये कॉपी हो चुका है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, ls new two। जैसे मैंने ls new two करा तो आप ये देख सकते हैं कि इस न्यू टू के नाम के अंदर, इस न्यू टू फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अभी तो हमने इसको कॉपी करके देखा है, अब हम इसको मूव भी करते हैं। मूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मुझे इस न्यू टू फोल्डर को न्यू के अंदर मूव करना है, तो कैसे करूंगा, एमवी मूव न्यू टू तो न्यू के अंदर। ये आप देखिए मैंने इसको मूव कर दिया है। अब सपोज करिए कि मुझे इसका नेम रीनेम करना है, मुझे इसका नेम अच्छा नहीं लग रहा है न्यू, तो न्यू को कैसे रीनेम करेंगे, एमवी न्यू को हमें चेंज करना है हैकिंग के अंदर। ये देखिए मैंने इसका नेम भी चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैं टी डॉट टी एच टी को भी चेंज कर सकता हूं, एमवी t.txt to hack training। ये देखिए इसका नाम भी मैंने चेंज कर दिया है। चलिए अभी तो हमने फाइल क्रिएशन देखी और फाइल को मूव करना देखा, फाइल को कॉपी करना देखा, अब हम देखते हैं कि फाइल को टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कैसे बनाएंगे। तो हम यहां पर टेक्स्ट एडिटर के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे यहां पर gedit काफी पॉपुलर इनका टूल है जिसके थ्रू हम यहाँ पर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर फाइल का नाम देना पड़ेगा ls.txt। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखिए मेरे सामने ये gedit खुल जाएगा, यहाँ सेव कर देगा और ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको देखने के लिए ls.txt आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर टाइप हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि यहां पर ये जो आप पाउंड साइन देख रहे हैं, हैश साइन जो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि आप रूट यूजर हैं, मतलब सुपर यूजर हैं। दोस्तों रूट यूजर का मतलब क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। रूट यूजर मींस जिसके पास सारी परमिशन होती है। एक एग्जांपल के तौर पर एंड्रॉइड फोन की बात करूं तो आप अपने एंड्रॉइड फोन के नॉर्मल यूजर्स हैं,
क्योंकि आप उसकी एप्लीकेशन को नहीं हटा सकते हैं जो उसके साथ आई है। जैसे कि आप क्या प्ले स्टोर को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। बट जब आपके पास, जब आप अपने फोन को रूट कर देते हैं तो आपको सुपर यूजर परमिशंस मिल जाती हैं, मतलब रूट परमिशंस मिल जाती हैं, रूट प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, जिसके थ्रू आप अपने फोन को, जिससे कि आप अपने फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशंस इनबिल्ट आती हैं आप उनको इजीली हटा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रूट यूजर का मतलब है कि ये एक सुपर यूजर है जो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप कहीं पर डॉलर का साइन देखें तो उसका मतलब क्या है, वो एक नॉर्मल यूजर है। जब आप यूबंटू चलाते हैं तो यूबंटू के अंदर आपको पाउंड साइन कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है, वहां पर हमेशा डॉलर साइन का यूज होता है, जिससे कि वहां पर ये सीधे डिनोट होता है कि आप उसके नॉर्मल यूजर हैं, ना कि सुपर यूजर। तो चलिए हम इसके अंदर एक यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एड यूजर, और मैं यहां पर यूजर को एड कराता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर अपना नाम डाला है तो देखिए मैंने एड यूजर कराता हूं, तो यहां पर ये पासवर्ड दे रहा है 123123। ये देखिए मेरा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि मैं कौन से करंट यूजर पर हूं, तो उसके लिए मैं हु एम आई यूज करूंगा। हु एम आई मतलब मैं कौन हूं, ये देखिए मैं अभी यहां पर रूट हूं, रूट मतलब रूट यूजर हूं मैं। चलिए अब मैं स्विच करता हूं जो मैंने यूजर बनाया है, लॉग इन अल्फाज 123। अब आप देख सकते हैं यहां पर डॉलर साइन आ गया है। डॉलर साइन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक नॉर्मल यूजर हूं। देखिए हु एम आई करते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यूजर कौन सा है, अल्फाज। अब एक काम करते हैं दोबारा से लॉग आउट करने के लिए, सीधा आप लॉग आउट टाइप कर देगा, आप सीधे रूट यूजर पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे यहां पर यूजर को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए डिलीट यूजर, ये यूजर डिलीट हो चुका है। कंफर्म करने के लिए दोबारा लॉग इन करके देख लेते हैं। ये देखिए लॉग इन इनकरेक्ट, इसका मतलब है कि जो भी पासवर्ड है, मतलब जो भी मेरा यूजर है वो रिमूव हो गया है सक्सेसफुली। चलिए अब एक काम करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहां पर ये जो प्रॉम्प्ट पूछ रहा था जब मैंने लॉग इन करा था, और ये मैंने पासवर्ड दिया गलत। अब ये देखिए दोस्तों दोबारा प्रॉम्प्ट पूछ रहा है, मुझे इसको कैंसिल करना है। मुझे इस बात का कंफर्म हो चुका है कि मेरा यूजर सक्सेसफुली डिलीट हो गया है, पर अब मैं इसको कैसे हटाऊंगा, मुझे इसको हटाने के लिए कंट्रोल सी यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैंने इस टास्क को टर्मिनेट कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया। दोस्तों अब हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, क्लियर। सबसे पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं हिस्ट्री। अब आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर कि मैंने कितना सारा ऐड कर चुका हूं अभी तक। दोस्तों मुझे हिस्ट्री को क्लियर करना है, दोस्तों मुझे हिस्ट्री को क्लियर करना है। हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हिस्ट्री हाइफन सी। जैसे मैं हिस्ट्री हाइफन सी देता हूं ये क्लियर हो जाती है। चलिए अब हम शॉर्टिंग देखते हैं। शॉर्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक फाइल बनाना पड़ेगी जीएमए के थ्रू। हम एक फाइल बना लेते हैं names.txt, यहां मैं कुछ नाम लिखता हूं। अब आप देखिए मैंने इसको यहां, अब आप देखिए मैंने यहां पर सारे नेम्स को टाइप कर दिया है, बट अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करेंगे कैसे, सॉर्ट और उस फाइल का नाम। ये देखिए मैंने यहां पर किस तरीके से टाइप करा था, यहां ये अल्फाबेटिकली पूरा शो हो रहा है आपको। यहां पर मैंने हैकिंग पहले लिखा था, गुरु लिखा था, न्यू लिखा था, पर यहां पर किस तरीके से सॉर्ट हो रहा है आप ये देखिए। मैं इस फाइल को भी सेव कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर जो सॉर्ट नेम्स और टीएक्सटी डाला है, ये जो सॉर्ट name.txt डाला है, ये जो मुझे रिजल्ट मिला है, मैं इसको नई फाइल के अंदर भी सेव कर सकता हूं। कैसे सेव करेंगे ये देखिए, ये देखिए मेरा न्यू name.txt बन गई है, जिसके अंदर मेरा सॉर्ट हुआ हुआ रिजल्ट है, और आप पुरानी फाइल को भी देख सकते हैं।
इस तरीके से भी आप सेव कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। अब दोस्तों अगर मुझे अपने मशीन का आईपी एड्रेस देखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ कॉन्फिग। अपने आईपी एड्रेस को देखने के लिए मुझे इफ कॉन्फिग यूज करना पड़ेगा। दोस्तों मैं अभी वाईफाई यूज कर रहा हूं तो इसलिए मुझे मेरा आईपी यहां पर 990 में दिखा रहा है, 192.168.1.2। यहां आप देख सकते हैं एलो डिवाइस भी है, ये एलो डिवाइस लूपबैक डिवाइस होती है जो सेल्फ कम्युनिकेटिंग के काम में आती है। यहां मेरा ETA0 है। अगर मैं कंप्यूटर को अपने लैन से चलाता हूं तो यहां पर मुझे मेरा आईपी एड्रेस दिखाएगा, बट फिलहाल अभी मैं यहां पर वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड हूं तो इसलिए मेरा आईपी एड्रेस WLAN0 में शो हो रहा है। दोस्तों ये तो थी कुछ लिनक्स की कमांड, चलिए इसके डायरेक्टरी के बारे में भी समझते हैं। लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक ट्री की तरह है जिसकी स्टार्टिंग रूट से होती है, उसके बाद उसमें ब्रांचेस और लीव्स आती हैं। ठीक इसी तरह से लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रूट की तरह है जिसमें उसकी डायरेक्टरीज और फाइल होती हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई बात करे फॉरवर्ड स्लैश की, मींस इस स्लैश की, तो वो आपसे बात कर रहा है रूट की, जहां पर लिनक्स का पूरा फाइल सिस्टम होता है। जैसे कि मैंने सीडी रूट करा तो अभी आप यहां देख सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश यहां पर आ रहा है। अब मैं यहां पर ls करके देखता हूं तो आप यहां देखिए यहां पर पूरा का पूरा इसका फाइल सिस्टम है, जहां पर इसकी सारी डायरेक्टरीज हैं, जहां से ये पूरा स्टार्ट होता है। इसके बाद आती है दोस्तों बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी क्या होती है, जहां बाइनरीज और दूसरे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रहते हैं, जैसे कि ping, echo, pwd, जो भी अभी हमने यूज करा वो सारे क्या है, एक प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम इन फाइल को बना पा रहे हैं, आईपी एड्रेस को देख पा रहे हैं, किसी फाइल को रिमूव कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सीडी बिन। अब मैं जैसे ही ls करूंगा तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर ये सारे जो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं वो सारे क्या है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं जिनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहां पर आप ये कुछ देख रहे हैं, या ये हैं आपके लिंक्स, मतलब जिनको शॉर्टकट्स भी कहा जाता है। ये जो रेड है ये आपके एक तरीके से टार फाइल्स या जिप फाइल्स कहलाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ETC की, CD ETC। अब ये ETC क्या है, इस डायरेक्टरी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को ये बताता है कि इनको कैसे बिहेव करना है। जैसे कि अगर मैं पासवर्ड चेंज कर दूं तो हमारे सिस्टम का बिहेव चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर मेरा पासवर्ड फाइल्स भी होंगी, ये देखिए यहां पर मेरे पासवर्ड फाइल भी है। अगर जिसको मैं चेंज कर दूंगा तो मेरे इस सिस्टम का बिहेव मेरे लिए चेंज हो जाएगा या दूसरे के लिए चेंज हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आती है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी वैसे रूट यूजर के लिए नहीं होती है, वो एक नॉर्मल यूजर के लिए होती है, जहां एक नॉर्मल यूजर इस डायरेक्टरी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक फाइल्स को स्टोर कर सकता है, जिस तरीके से एक विंडोज के अंदर भी होता है। एक डायरेक्टरी होती है OPD। ये OPD डायरेक्टरी क्या है, इसको कहते हैं ऑप्शनल और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। मींस जैसे आपने VirtualBox गेस्ट एडिशन डाला है तो वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। अगर आप ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जैसे कि नीसस वल्नरेबिलिटी स्कैनर, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आता है। अभी मैंने यहां पर VirtualBox गेस्ट एडिशन नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैं इस लिनक्स को डेडिकेटेडली चला रहा हूं, बट अगर मैं यहां पर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करता हूं तो वो कहां पर जाएगा, OPT के अंदर। जैसे कि XAMPP सर्वर का आपने सुना होगा नाम, अगर मैं XAMPP सर्वर इस काली लिनक्स के अंदर डालता हूं तो वो मेरा कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आएगा, इस OPT डायरेक्टरी के अंदर आएगा। इसी तरीके से दोस्तों एक टेम्प फाइल होती है, टेम्प डायरेक्टरी, CD temp। अभी ये टेम्प डायरेक्टरी देखते हैं। इस टेम्प डायरेक्टरी के अंदर चार फोल्डर बने हुए हैं, यहां पर आपकी सारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो सिस्टम रिबूट होने पर अपने आप डिलीट हो जाती हैं, लेकिन विंडोज में हमें इनको डिलीट करना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब दो कमांड्स के बारे में और देख लेते हैं। एक तो रिबूट, जो हमारे सिस्टम को रिबूट करने के काम में आती है, और एक है दोस्तों init 0। इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन 0। इनिशियलाइज मतलब 0 का मतलब होता है ऑफ करना। जैसे हम जानते हैं बाइनरी के अंदर दो ही वर्ड्स होते हैं,
दो ही डिजिट होती है, जीरो और वन। जीरो का मतलब होता है ऑफ करना, वन का मतलब होता है ऑन होना। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या करा, इसको इनिशियलाइज करा जीरो पर, मींस इसको मैंने ऑफ कर दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।